रिश्ता लिखेंगे हम नया। शादी के लिए हमने मेहंदी चूड़िया ये सारी तैयारियां कर ली है, लेकिन बस हमें ये नहीं पता कि हमारी मांग में सिंदूर डलेगा या नहीं। एक बार के लिए, सिर्फ एक बार के लिए प्लीज हमें समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ एक बार के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज यार, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यार। आइए। क्या ये किसने भेजा? कोई बाईसा छोड़ गई से, साथ में ये चिट्ठी भी दे गई से। मीठी हलवाई की तरफ से कह रही है, मार्केट में हमने सुना है कि आपका तो दीवारा निकल गया है। सच कहे तो ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। हमें पता है इस वक्त आप भी बहुत दुखी होंगे, लेकिन हम है ना, हमारे रहते आप और आपका पूरा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। हम आपके लिए रोज खाने का डब्बा भेज दिया करेंगे। चलो कोई तो वेंडर है जो हमारे साथ है। ये एक अच्छाई की निशानी है। मीठी हलवाई के भाव उनके जलेबी की तरह ही बहुत ही मीठे हैं। दिया, लगता है बैंक्रप्टसी की खबर जैसे ही बाहर फैली है, लोगों को ऐसा लगने लगा है कि हमारे पास खाने पीने के भी पैसे नहीं। आई एम श्योर दिया, सब कुछ जल्दी वापस सही हो जाएगा। सोए नहीं? आप भी तो जाग रही ना दिया। हम सब जानते हैं, हमें पता है आपको नींद क्यों नहीं आ रही। ओ रियली? तो फिर बताइए मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। क्योंकि आपको भूख लगी है, आपने रात को डिनर भी नहीं किया था, है ना? नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे मुझे भूख नहीं लगी दिया। डोंट वरी रतन, हम कोई एक्सपेरिमेंटल डिश नहीं बनाएंगे। 2 मिनट्स नूडल्स बना लेंगे, ओके? उसमें तो कुछ रिस्की नहीं है ना। तो डन, बहुत भूख लगी है। चलिए, और 2 मिनट्स नूडल्स बनाने में मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। चलिए जल्दी चलिए। दिया, बहुत भूख लगी है, जल्दी बताइए ना नूडल्स कहाँ पे। वाह,
आइए बैठिए, बहुत भूख लगी है। बहुत टेस्टी बनी है। दिया, सुबह से आपने भी तो कुछ नहीं खाया होगा, आप भी खाइए ना। रुकिए, मैं आपको खिलाता हूं। अच्छी है ना? थैंक यू दिया। थैंक यू। हाँ नूरुस, इतने अच्छे बने थे क्या? इसका मतलब आपको सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी रतन। नूडल्स के लिए भी और इसलिए भी कि आप मेरे साथ आज यहाँ खड़ी रही। दिया, हमारा डिवोर्स आज ही फाइल हुआ है और आप पर किसी भी तरह का दबाव नहीं था, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ आज यहाँ खड़ी रही। आप तीनों के बीच जो भी बातें चल रही थी वो भी हमने सुन ली। से हम हमारे राजघराने के सगे संबंधियों से मिलने गए थे, उनके यहाँ भी कुछ नहीं बना। जिन सगे संबंधियों को हमने अपना माना था, सुख दुख में जिनके साथ हमारा व्यवहार चोखा रहा से, उन्होंने आज हमें बता दिया कि वो हमारे अपने कोने से, वो हमारी बात तक कोने सुन रहे थे। और एक आपसे और आपके ये मूर्खता से भरे विचार, आपके सुझाव, दिया ठकराणी सा, यश बनना और दाता हुकुम तो अभी मासूम से, लेकिन आप उनके दिमाग में ऐसे विचार क्यों भर रही से? आपकी इस मूर्खता के लिए हम कभी भी अनुमति को नहीं देंगे। चलिए यहां से। काकी मासा, आप प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। दिया के इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी केसर महल का बिजनेस इन अफवाहों की वजह से गिरता जा रहा है, लॉस में जा रहा है। प्लीज काकी मासा, अगर हमने अभी कुछ किया नहीं तो हमारे केसर महल होटल पे ताले लग जाएंगे। ताता हुकुम, बात कितनी भी बिगड़ जाए या परिस्थिति कितनी भी खराब हो जावे, इस बात की अनुमति हम आपको कौन नहीं दे सकते। आप तीनों को इस खजाने की कीमत का अंदाजा भी कौन से? किसी भी धरोहर की कीमत उसे जुड़े हुए पैसों से कौन की जाती? रतन, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे। हमने देखा है जो भी गलत हुआ है उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम आप सबसे सिर्फ इतनी उम्मीद रख रहे हैं कि इतने साल आपने केसर महल पर विश्वास दिखाया है, प्रोफेशनली हमारा हमेशा साथ दिया है, उसी नाते से हमें बस कुछ और वक्त दे दीजिए। ठीक है दिया ठकरानी सर, आप कहते हैं तो हम दाता हुकुम को 24 घंटे का वक्त और देते हैं। कल रात 8 बजे आएंगे। अगर केसर महल के दिवाला निकलने की बात अफवाह है तो कल रात 8 बजे तक ये साबित करके दिखाइए। खम्भा गणी। आइए। जी आरोप
दिया। ये 24 घंटे हमारी इकलौती उम्मीद की किरण है। मैं वेंडर से मिलके सबको 24 घंटे में मैनेज करता हूँ। अब नहीं रतन, अब ये सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अब तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अरे दिया, बताइए तो बात क्या है? रतन, हमें हमारा चोर मचाए शोर वाला प्लान आज रात को ही एक्सिक्यूट करना होगा। नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। काकी मासा ने ऑलरेडी हमें इस प्लान के लिए स्ट्रिक्टली ना कहा है, परमिशन नहीं दी है काकी मासा ने। और काकी मासा ऑलरेडी आपसे इतनी नाराज है, अगर हमने ऐसा किया ना तो वो आपसे बहुत नाराज हो जाएंगे। नहीं, ये प्लान बिल्कुल नहीं। हम काकी मासा का कहर उठाने के लिए तैयार है, हम उन्हें संभाल लेंगे। रतन, हमें पूरा विश्वास है कि यही एक तरीका है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास कीजिए हमारा। दिया, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप रुकिए, चलिए हमारे साथ। यशपन्ना कहाँ रह गए? बस आते ही होंगे। दिया भाई साहब, जैसे कि आपने कहा था, हमने महल के सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए और एंट्रेंस का मेन कैमरा ऑन छोड़ दिया। ओके, गुड, लेट्स गो। चलिए। थैंक गॉड दिया, आज नहीं तो मैं ओपनिंग बॉल से पहले रन आउट हो जाता। वैसे भी मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए जल्दी चलिए। दया कर से काल का मां, तिजोरी सुरक्षित से।
सर। दाता हुकुम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चोर ने ना सिर्फ तिजोरी के पासवर्ड को हैक किया है बल्कि सीसीटीवी के साथ छेड़खानी की है। छोटी ठकरानी साहब, आप सारे गहनों की लिस्ट बना दीजिए ताकि हमें उन्हें ढूंढने में आसानी हो। इंस्पेक्टर साहब, मैं बताता हूँ, आप लिखिए। इंस्पेक्टर साहब, उस तिजोरी में एक नीलम का हार है जिसकी कीमत कुछ 2 करोड़ रुपए, और उसमें एक रूबी का ब्रेसलेट भी था जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए। काकी मासा, आपने मुझे बताया था ना कि उस तिजोरी में रानी हार भी है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, आप प्लीज बताइए ना इंस्पेक्टर साहब को। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, उसमें हमारा रानी हार भी था, वो हमारे पुरखों की विरासत है, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। अरे लेकिन आप आइए। हुआ क्या? लेकिन यहाँ खड़े रहिए, साक्षी बताएंगी आप। हमारे सर पे हाथ रख के कसम खाइए और बोलिए चोरी आपने नहीं की। चोरी? अरे साक्षी क्या कर रही हैं आप, डंडे पड़वा देंगी आप हमें, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं आप। ये चोरी हमने नहीं की है। गांव के किसी आदमी ने यहाँ कुछ खोते हुए देखा था, और हमने जब यहाँ पर खुदाई की तो हमें यहाँ ठीक वैसा ही ब्रीफकेस मिला जैसा आपने बताया था। निकालो। जी सर, निकालो। संभाल के, संभाल के। टकराइंजा, इस ब्रीफ केस पे आपके केसर महल का लोगो भी है, एक बार देख लीजिए सब कुछ ठीक तो है। खोलिए इसको। इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सीसीटीवी में उसने जो गाड़ी का फुटेज छोड़ा था वो सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए था। हम यहाँ पर आ गए और वो सारा लूटा हुआ माल लेकर भाग गया। खैर आप चिंता मत कीजिए, वो हमसे बचकर जा नहीं पाएगा। हम अभी सारी जगह नाकाबंदी कर देते हैं। कांस्टेबल जी, इसे जब्त कर लो। जी सर। हम घर जाकर क्या जवाब देंगे रतन? ये सब हमारी ही गलती है। काकी मासा ने हमें कहा भी था कि हम इन गहनों के साथ कोई रिस्क ना लें, पर हमने नहीं दिया। इसमें आपकी अकेले की गलती नहीं है, मैं भी आपका साथ दे रहा था ना, तो उसमें गलती मेरी भी है। हम एक काम करते हैं, मैं घर जाता हूँ, आप मेरे साथ नहीं आएंगी। काकी मासा को मैं खुद हैंडल करूंगा। नहीं रतन, ये सारा प्लान हमारा था और हमने आपको और यशबन्ना को इस प्लान का हिस्सा बनाया था, तो अब इस प्लान का जो भी नतीजा होगा हम उसका सामना करेंगे। हम जाके काकी मासा को मिलेंगे और अपना गुनाह कबूल करेंगे। काकी मासा, पुलिस ने हमारे गहनों को ढूंढना भी शुरू कर दिया और सूरजगढ़ में आने जाने वाले सभी रास्तों पे कड़ी नाकाबंदी लगा दी है। अगर काकी मासा कोई मार्केट में हमारी ज्वेलरी को बेचने भी जाएगा ना, तो पुलिस को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। दाता हुकुम, आप जो कह रहे से वो हो भी सके से और नहीं भी। इस घर के बड़े हमसे, हम जवाबदार से सबके लिए, इसके आगे आप कुछ नहीं करेंगे। जो भी करना है हम करेंगे। एक बात बारी भी सुन लीजिए, जब तक ये गहने वापस तो नहीं आते, हम अन्न का एक दाना भी, जल की एक बूंद भी ग्रहण को नहीं करेंगे।
और अगर ये गहने वापस क्यों नहीं आए तो हम ये संसार छोड़ के संन्यास ले लेंगे। क्या दिया हमने? बिल्कुल नहीं काकू साहब, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना काकू साहब, तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। यशमन्ना, हमारी दोस्ती इतनी कमजोर है क्या कि एक हवा के झोंके से हम बिखर जाए? क्या हमारी दोस्ती में इतनी भी गहराई नहीं कि एक छोटी सी मुसीबत जिसे हम पार ना कर सके? यशमन्ना, हम दोनों जानते हैं कि इस चोरी में आपका हाथ नहीं है। हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गहने आखिर चुराए किसने? यशमन्ना, हमारी फैमिली के लिए इस वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त है और हमें आपके साथ की बहुत जरूरत है, आपकी दोस्ती की बहुत जरूरत है हमें। केसर महल की शान और सारे रिश्ते बचाने के लिए कुछ करना होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।